application of biotechnology in medicine. The first application is genetically engineered insulin, means how to prepare insulin by the means of biotechnology. Insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs. इंसुलिन जो पहले डायबिटीज़ के लिए यूज होता था उसे स्लॉटेड कैटल और पिग्स के पैंक्रियाज से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, यानी कि जो पिग्स और कैटल जिनकी डेथ हो जाती थी, जो मर जाते थे, उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था. बट इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स कॉज्ड सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जिक रिएक्शन. पर क्योंकि ये इंसुलिन एनिमल सोर्स का होता था तो ये पेशेंट्स में कुछ एलर्जीज डेवलप कर देता था, यानी कि उनमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो जाते थे जब वो इस इंसुलिन को इनटेक करते थे. इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए एंड चेन बी, लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस. जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, चेन ए और चेन बी, जो दोनों डाइसल्फाइड ब्रिजेस से लिंक्ड होते हैं. In mammals, including human beings too, insulin is synthesized as a pro-hormone which contains an extra stretch called the C-peptide. This C-peptide is not present in the mature insulin. Mammals में जो insulin synthesize होता है वो पहले pro-hormone रहता है, उससे वो mature होके mature hormone में convert होता है. जब वो pro-hormone होता है, यानी कि जब वो pro-insulin होता है, उसमें extra stretch रहता है C-peptide. जो सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है. दिस इज द इमेज शोइंग द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन. हियर इन द फर्स्ट इमेज द ब्लू चेन इज द ए चेन एंड द ग्रीन चेन इज द बी चेन. दीज बोथ आर द शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, वेयर एज द ग्रे चेन इज एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच विच इज नॉट नीडेड इन साइड द मैच्योर इंसुलिन. So during the maturation, the grey chain is being removed, whereas the green chain and the blue chain are linked together by disulfide bridges. In this way, the insulin is being matured. For the production of insulin using recombinant DNA technology, the C-peptide was to be removed from the short polypeptide chain A and B. इंसुलिन का प्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से करने के लिए पहले प्रो हार्मोन में से सी पेप्टाइड को हटाना पड़ेगा, जिससे कि वो उसकी नंबर ऑफ कॉपीज जब बने तब उसमें सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेच ना रहे. इन 1983 एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंसेस करिस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम टू द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई सेपरेटली टू मेक नंबर ऑफ कॉपीज. 1983 ईयर में एली लिली कंपनी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने दो डीएनए सीक्वेंसेस प्रिपेयर किया था और वो दोनों ए और बी चेन के डीएनए सीक्वेंसेस थे और वो ए और बी चेन ह्यूमन इंसुलिन का लिया गया था. ये किसी स्लॉटर्ड कैटल या पिग का नहीं एक्सट्रैक्ट किया गया था, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो पेशेंट्स में देखे गए थे, इसलिए ह्यूमुलिन का इंसुलिन लिया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करने के लिए. इंट्रोड्यूस देम टू द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई सेपरेटली. अब ए चेन और बी चेन का जो डीएनए सीक्वेंस था उसको अलग अलग एस्टेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया गया ताकि उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बन जाएँ. And then they were extracted and combined by disulfide bonds to form human insulin. और जब उनकी number of copies बन जाती थी in Escherichia coli, तब उसे extract करके उसे disulfide bond से combine कर दिया जाता था और human insulin बना दिया जाता था. Another application is gene therapy. If a person is born with hereditary disease or if there is a defect in any of the gene that has been diagnosed in a child or embryo, then the genes are inserted into a person's cells and tissues. अगर कोई person hereditary disease से ही born हुआ होता है या उसके किसी भी gene में कोई defect होता है जिसे उसके child या embryonic stage पे ही diagnose कर लिया जाता है या detect कर लिया जाता है, तब उसके अंदर कोई healthy gene insert कर दिया जाता है जिस पर्टिकुलर जीन से वो डिफेक्टिव है, या ऐसा जीन जो नॉन फंक्शनल है उसकी बॉडी में, वैसा ही नॉर्मल जीन उसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है. इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द पेशेंट टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कंपेंसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन, ताकि जिस जीन के लिए वो डिफेक्टिव है
वो पर्टिकुलर जीन का काम वो नॉर्मल जीन कर सके जिस नॉर्मल जीन को उसके अंदर डाला जाता है, और ये पूरा मैकेनिज्म जीन थेरेपी के थ्रू होता है। द डिफेक्ट इन दी जीन्स कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच द फंक्शनल जीन इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, बट दीज टू मेथड्स आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। जीन्स में अगर डिफेक्ट हो तो उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू भी क्योर किया जा सकता है, बट ये परमानेंट क्योर होता नहीं है, इस वजह से इसे ज़्यादातर ही यूज़ नहीं करते हैं। इन दोनों मेथड में जो फंक्शनल जीन होता है, जिस पर्टिकुलर जीन के लिए कोई भी पेशेंट डिफेक्टिव होता है, उस जीन को इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। The first gene therapy was done to a 4-year-old girl who was suffering from SCID, severe combined immunodeficiency syndrome. She was deficient of ADA, adenosine deaminase enzyme, which is crucial for the immune system to function. जो first gene therapy थी वो एक 4-year-old girl में की गई थी जो SCID से suffer कर रही थी, severe combined immunodeficiency syndrome. इस disease में उसके पास ADA एंजाइम की कमी थी, और ये एंजाइम इम्यून सिस्टम के फंक्शन कराने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ये एंजाइम किसी पर्सन की बॉडी में नहीं है तब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और वो छोटे से भी इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो सकती है। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट्स आर ग्रोन इन अ कल्चर मीडियम आउटसाइड द बॉडी थ्रू रेट्रोवायलर वेक्टर। फंक्शनल ADA जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स एंड इट इज़ रिटर्न टू द पेशेंट। एज दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। अब उस पर्टिकुलर गर्ल में जो ये जीन थेरेपी हुई थी उसका पूरा मैकेनिज्म क्या था? उस गर्ल की बॉडी से पहले लिम्फोसाइट्स को निकाल लिया गया था उसके ब्लड से, और फिर उसे कल्चर मीडियम में डाला गया था बॉडी के बाहर, और फिर रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू किसी फंक्शनल ADA जीन को उस लिम्फोसाइट में डाला गया था, जिससे कि जब फंक्शनल ADA जीन हम लोग डालेंगे तो उससे वो एंजाइम प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा, और उसी लिम्फोसाइट को उस पेशेंट के बॉडी में डाल दिया गया था। क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ये इमॉर्टल नहीं होते हैं, यानी कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही रह सकते हैं, इसलिए पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन कराना ज़रूरी होता है ऐसे लिम्फोसाइट्स का। मतलब उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है कि इतने टाइम बाद फिर से लिम्फोसाइट्स को उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा ADA से डालकर। However, if the gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure. पर अगर किसी person का ये detection उसके embryonic stage में ही हो जाए कि वो किसी hereditary disease से defective है, तो उसका अगर हम लोग उस time पे gene therapy करेंगे तो उस time पे वो completely cure होगा और उसके लिए पीरियोडिक इन्फ्यूजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। किसी भी डिजीज़ की इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए उसका अर्ली डिटेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा कन्वेंशनल मेथड को यूज़ करके नहीं किया जा सकता है जिसमें यूरिन एनालिसिस और सीरम एनालिसिस आते हैं। ड्यूरिंग वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस सिम्टम्स आर नॉट विजिबल एंड दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड देन बाय कन्वेंशनल मेथड्स, बट कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड यूजिंग PCR। जब किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का कंसेंट्रेशन बॉडी में बहुत ही लो रहता है तब उसके सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं बॉडी में, और उस टाइम पे उसका डिटेक्शन करना कन्वेंशनल मेथड्स के थ्रू उतना इजी नहीं होता है। बट PCR के थ्रू अगर उस पर्टिकुलर पैथोजन का न्यूक्लिक एसिड उसकी नंबर ऑफ कॉपीज थोड़े टाइम में PCR मशीन बना करके दे देगी, तो उस टाइम पे उस डिजीज़ का डिटेक्शन करना इजी हो जाएगा। It is being used to detect HIV in suspected AIDS patient and mutation in genes in suspected cancer patient. PCR machine का use HIV को detect करने के लिए
और कैंसर पेशेंट्स में जीन की म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, और काफ़ी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिनका डिटेक्शन PCR को यूज़ करने से होता है। अनदर टेस्ट इज ELISA. Enzyme linked immunosorbent assay is based on the principle of antigen-antibody interaction. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigens or by detecting the antibody synthesized against the pathogen. Enzyme linked immunosorbent assay antigen-antibody interaction के principle पर based होता है। जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन अटैक करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, और वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। ELISA टेस्ट में किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ का पता एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के थ्रू होता है। This test is performed by taking a blood sample of the patient and the specific antigen related to the condition for which the patient is being tested. The antigen and antibody will bind together if the patient is positive for the particular test performed. जब किसी पेशेंट में किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का टेस्ट होता है कि वो उस डिजीज़ से पॉजिटिव है या नहीं है, तो उसका ब्लड सैंपल पहले लिया जाता है, और उस ब्लड सैंपल में अगर उसके एंटीजन का उस पर्टिकुलर डिजीज़ के एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ होंगी तो मतलब उस पर्सन की बॉडी में वो एंटीजन अटैक कर चुका था, इसलिए उसका जो एंटीबॉडी है और जो एंटीजन है उस पर्टिकुलर डिजीज़ का जिसके लिए उसमें टेस्ट हो रहा है वो दोनों इंटरैक्ट कर जाते हैं, और इससे पता चल जाता है कि वो जो पर्टिकुलर पेशेंट था वो उस टेस्ट के लिए पॉजिटिव था।